मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि उन्होंने राफेल का भ्रष्टाचार किया, चोरी की, चौकीदार ने चोरी की, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहीं भी किसी भी समय मेरे से डिबेट कर लें, कहीं भी मैं चैलेंज देता हूँ, रेस कोर्स रोड में आ जाऊंगा मैं 15 मिनट मेरे से। वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, डरते हैं भैया, चौकीदार चोर है इसलिए डरते हैं। अच्छा सर, आज आपका नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गया। देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, जो चौकीदार, सुनिए मैं बताता हूँ, मेन बात यह है कि 30,000 करोड़ रुपए चोरी हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 रुपए अनिल अंबानी को दिए, फ्रांस का राष्ट्रपति ने कहा है। तो मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी से, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की लड़ाई है, आइए मेरे सामने आइए और बात कीजिए मेरे भ्रष्टाचार के बारे में, बात करते हैं, क्यों डर रहे हो नरेंद्र मोदी जी। थैंक यू भैया। अच्छा, एक बड़ी बात हो रही है, प्रियंका जी का बनारस से लड़ने के लिए बात हो रही है सर, एक लाइन बता दीजिए, क्या उम्मीद है सर? नहीं हो गया। तो ये राहुल गांधी जो कि हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि वो बार बार नरेंद्र मोदी को डिबेट के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी जो बातें हैं उनमें सच्चाई नहीं है। और साथ ही साथ जब हमने बनारस के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन साफ तौर पर राहुल गांधी ने आज तक से बात करते हुए कहा कि वो जो उनकी लड़ाई है वो जारी रहेगी, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठी बातें करते हैं उसके खिलाफ उनकी जंग हमेशा जारी रहेगी।